मोबिलिटी लिमिटेड अब देखिए 69.19 का प्राइस हमें देखने को मिला है, 3% की अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग हमें देखने को। मार्केट में अभी शॉर्ट कवरिंग हुई है बिफोर महाराष्ट्र आउटकम, बट यहां पर इंपॉर्टेंट बात करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि बुक वैल्यू पर शेयर में बदलाव आ चुका है, जिसको आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि कितना महंगा और कितना सस्ता आ चुका है। एंड एक बात मैं आपको बता दूं, ओला इलेक्ट्रिक के साथ जो हो रहा है वो कोई एक नई बात नहीं है। यूएस के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले बहुत बड़ा सर्ज आया, बूम आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक लिस्टिंग होने लगी, वो यहाँ पर ना 1000% के रिटर्न बनाकर भी दिए। $5 का स्टॉक $500 बिक गया एंड वापस से $2 पर। तो यूएस के अंदर ये घटनाएं हो चुकी हैं, हमारे साथ यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक साथ देखने को मिल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये हो चुकी है एक मार्केट में। अब अगर आप देखेंगे ईयर टू डेट में 24% का नेगेटिव रिटर्न है, बट ये 9 अगस्त की बात से जोड़ रहा है, यानी कि लिस्टिंग डेट में आपका जो हाई था 91.20 रुपी, वहां से अगर आप देखेंगे तो वहां से ये जोड़ा घटाई हो रही है, बट 157 रुपए से अगर आप देखेंगे 157 का जो हाई है वहां से अगर आप देखेंगे तो 50% ड्रैग कर चुका है ये स्टॉक। एंड बहुत सारे लोग अभी भी ट्रैप है, 140, 145, 130, 120 के भाव के रखे हुए हैं। एंड मोस्टली हम जहां पर ये फाइनेंशियल्स के बारे में समझते हैं, देखते हैं, तो वो दो जगह मोस्टली हम लोग देखते हैं, स्क्रीनर और स्टॉक एच पर। एंड स्क्रीनर में अगर आप देखेंगे तो 14.90 का बुक वैल्यू पर शेयर देखने को मिल रहा है, ये बदलाव आया है। एंड ये बदलाव कितना नेगेटिव है ये हमें समझना है, कितना पॉजिटिव है ये हमें समझना है। एंड ये आपका यहाँ पर स्टॉक एज में, यहाँ पर भी आपको 14.90 का बुक वैल्यू पर शेयर देखने को मिला है। कभी यहाँ पर 36 का था, मैं आपको 36 का देखकर बताता था एंड बताता था कि 3 टाइम के आसपास चल रहा है, 3 टाइम या 2 टाइम के आसपास ये स्टॉक काम कर रहा है। आज की डेट में 4.51 टाइम पर है। अगर आप 14.90 इवन 15 रुपए से अगर आप जोड़ लीजिए तो 4.51 टाइम पर चलना प्राइस टू बुक वैल्यू, ये बहुत बहुत महंगा हो चुका है। हम 36 से देख रहे तो अब हमें बहुत ही एक राहत मिल रही थी, एक रिस्क फ्री होता चला जा रहा था ये स्टॉक, लेकिन ये अचानक से जो चेंजेस आए इसने पूरा का पूरा हिला कर रख दिया। 4.51 टाइम ये बहुत ज्यादा हो गया इस मार्केट के अंदर। एंड हायर साइड सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये तो अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो चीजें सही हो रही थी वो और खराब हो रही है। इस मार्केट में हम हीरो मोटोकॉर्प से ओला इलेक्ट्रिक को कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि जो वैल्यूएशन है उससे वैल्यूएशन के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प ठीक ठाक लग रहा था, तो हम उससे ही कंपेयर करते हैं, पूरा मार्केट करता है, हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर वो चल रहा है 5.03 टाइम पर, बजाज ऑटो 8.57 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आया कि हीरो मोटोकॉर्प ज्यादा सस्ता देखने को मिल रहा है ओला इलेक्ट्रिक के कंपेरिजन। 4.51 टाइम पर ओला इलेक्ट्रिक के अंदर ना तो प्रॉफिटेबिलिटी है ना सेल्स इतनी बड़ी है, हीरो मोटोकॉर्प के अंदर हमें ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो मैं ये क्यों ना बाई कर लू, मैं ओला क्यों बाई करूंगा, ये बात आ जाती है। 4.51 टाइम बहुत बहुत ज्यादा हो चुका है इस मार्केट के अंदर, जब आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है तब जाकर ये बात है। तो हाई वैल्यूएशन पर स्टिल ट्रेड कर रहा है, हाई नहीं काफी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप डिलीवरी डेटा देखेंगे तो 68 का भाव देखने को मिला, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर डिलीवरी चेंज हुई, 26%, 33, 22, 27 इस तरह की डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। कोई बहुत बड़ा सर्ज नहीं आया डिलीवरी क्वांटिटी कि 68 का भाव आ चुका है, 157 का स्टॉक मुझे 68 रुपए में मिल रहा है, तो चलो 40%, 42% की डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही हो, बिल्कुल नॉर्मल है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के अंदर ये हो जाता है, इससे कभी कभार ज्यादा ही हो जाता है बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी है। कोई इंटरेस्ट यहाँ पर ना 68 के भाव पर, 69 के भाव पर अभी भी स्टिल देखने को नहीं मिल रहा है। भैया क्या ही बोले, एकदम से बदलाव आ गया, एकदम से सारी चीजें बदल गई एंड लास्ट। तो देखिये म्यूचुअल फंड का डेटा भी आने वाला है, 5 से 7 दिसंबर में ये क्लियर हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने क्या किया है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आने वाले Q3 के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये फेस्टिवल वाले नंबर है, फेस्टिव सीजन वाले, दिवाली भी ऐड है इसके अंदर, धनतेरस भी ऐड है एंड आपका यहाँ पर नवरात्रि भी ऐड, तो ये सब है। एंड ये नंबर्स ने अगर ग्रोथ दिखा दी तो यहाँ पर एक रिकवरी आ जाएगी, अदरवाइज किसी भी ऑटो कंपनी का अगर नंबर बिगड़ेगा ही Q3 का, वो टूटेगा ही टूटेगा कहीं ना कहीं, ये ध्यान रखना है। एंड स्टिल आपके ऊपर ज्यादा नजर है क्योंकि आप एक हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कंपनी का जो फाउंडर है एंड जो कंपनी के फाउंडर है वो सॉरी मैं आपको बता दूं कि कंपनी के जो फाउंडर एंड सीईओ है वो बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं इस कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक करने के लिए,
लेकिन उस एफर्ट्स का रिजल्ट आने में समय लगेगा, एंड वो रिजल्ट आने में समय लगेगा, तो उतने समय में ये भाव कहां पर होगा ये अपने को नहीं पता, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी अगर रफ्तार पकड़ेगी तो अच्छी बात है, और वो पकड़ेगी। ओला इलेक्ट्रिक आप एक दो दिन के लिए मत देखिए, 5-6-7 साल के लिए ही देखना पड़ेगा इन स्टॉक्स को, बनेगा तो बड़ा पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर जो गिरावट आई है वो तो एक रीजनेबल गिरावट है, यहाँ पर जो खरीद रहे थे वो पता नहीं क्या देखकर खरीद रहे, उनकी खुद का फॉल्ट। बट अगर आप हाईएस्ट साइड फंसे हुए हैं तो आपके पास एवरेज के अलावा कोई भी जरिया है नहीं। अगर आप 100 के आसपास हैं, 100 पर आपने बाई कर रखा है, तो आपके भाव से कितना ही नीचे आया, इतना तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक 30-30% तो गिरे हुए, तो आपके गिर गए इसमें क्या बात होगी, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो 120-140 के भाव पर बाई कर रखे हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एवरेज बनता है अगर वो करना चाहे। निचले लेवल का वेट करिए भैया, लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखना है तो बुक वैल्यू के थोड़ा सा ऊपर भी मिल जाए तो भी ठीक है, उसमें क्या होगा आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एंड वहां से आप जो है 5-7 साल के लिए देखेगा, या तो बनेगा तो बड़ा पैसा बन जाए, अदरवाइज यहाँ पर जो है ना आपका जाएगा ही क्या, ये बात आ जाती है। स्टिल इस प्राइस पर अगर आपने बाई कर रखा है तो भैया छोटी मोटी खरीदारी करिएगा, इससे ज्यादा खरीदारी करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा खरीदने ही नहीं है इस भाव पर। जब एकदम जो है ना बुक वैल्यू के पास मिले तब वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस भाव पर अगर आपकी इच्छा है, स्वयं की इच्छा है भैया कि नहीं मेरा इंटरेस्ट है, मैं 100 शेयर तो बाई करके रखनी चाहता हूँ, नहीं मैं यार कम से कम 200 या 300 शेयर बाई करके रखना चाहता हूँ, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपका अपना यहाँ पर ना एक सेटअप है, आपका माइंड सेटअप है, आपका विजन है। बट वो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खरीदने का बाइंग का लेवल नहीं है। यहां से अगर घूमे तो कहां पर जा सकते हैं भैया, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 76 का लेवल निकलना, एंड उसके बाद यहाँ पर आपका आपका 50 डेमा मूविंग एवरेज है, ये आपका 88 के आसपास है, ठीक है ना। 88 को निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मूविंग एवरेज के पास आए ना तो वहीं से टपकने के चांसेस ज्यादा है, कैंडल बनेगी एक अच्छी खासी एंड बस ध्वस्त। लेकिन आपको 76, उसके बाद 95 से 102 निकला तो आपका जो रेंज है भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज, जब तक ये क्रॉस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। 123 से 119, जब तक ये क्रॉस नहीं होगी तब तक आपका ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है ही नहीं। क्रॉस को होने का मतलब इसके ऊपर टिक जाना, एक दो दिन यहाँ पर ना टिक जाना अच्छी तरीके से, अच्छे वॉल्यूम होना, ये आपका यहाँ पर ना एक साइंस रहेंगे। तो ये आपके सामने हर्डल्स हैं, जैसे जैसे क्रॉस होंगे वैसे वैसे आपको रहेगा, बट ये जो हर्डल्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको मौका भी दे रहे हैं। देखेंगे तो 10-10-12 रुपए कमाने के चांसेस है, तो आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ना छोटा छोटा बाई कर आप प्रॉफिट बना सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए मत देखिएगा, एक स्टॉप लॉस रखिए एंड शॉर्ट टर्म में बाई करके एक 10-15 रुपए का मूव मिल जाए बस निकल जाओ बाहर, बस हो गया मेरा काम। तो ये शॉर्ट टर्म वालों का है, शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर ना अपना जो है वो ट्रेडिंग पर्पज से ले सकते हैं, कर सकते हैं स्टॉप लॉस रखकर, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये लेवल नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बुक वैल्यू के आसपास मिलना बहुत जरूरी है, वहीं पर रिस्क मैनेज होगा आगे आने वाले किसी भी रिस्क के लिए, तब इतना यहाँ पर रिस्क रह नहीं जाएगा अगर आप बुक वैल्यू के आसपास करें। इवन 30 पर भी मिल जाए ना तो भी बहुत बेहतर, पहले 36 का था तो हम 40 की बात कर रहे थे, वो बुक वैल्यू 14.90, ये तो और भी ज्यादा नीचे चला गया, तो वो खराब लग रहा है, अचानक से बदलाव आ गए। तो ध्यान रखिएगा, बुरे मानने वाली बात नहीं है, कंपनी के जो ओनर है वो एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं, बट हमारी जो वेल्थ है वो स्टॉक के भाव पर टिकी हुई है, बस इतनी सी बात है। वो एफर्ट डाल रहे हैं कंपनी, वो कंपनी चल पड़ेगी, बट यहाँ पर ना जो आपके वेल्थ लगी हुई है, थोड़ा बहुत पैसा भी जितना भी लगा हुआ है, उस पर जो भी आँच आएगी ना वो स्टॉक के भाव से आएगी, तो वो बात है, स्टॉक का भाव सही मिल जाए बाई।